जेपी सीमेंट की फैक्ट्री परिसर में सोमवार को एक कर्मचारी की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में हृदय गति रुकने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सुबह कमरे का दरवाजा तोड़कर उनका शव बरामद किया गया। पुलिस ने बताया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी विनोद डगराल उम्र 55 वर्ष जेपी नगर फैक्ट्री में पदस्थ थे। रविवार रात घर में खाना खाकर सो गए। सुबह काफी देर तक नहीं जागे तो अन्य कर्मचारियों ने आवाज लगाई। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़कर अंदर देखा जहां बिस्तर पर वह मृत पड़े थे। घटनास्थल का निरीक्षण के बाद पुलिस ने बताया कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, कहीं चोट के निशान भी नहीं है। ऐसी आशंका है कि सोते समय अटैक आया होगा। चौकी प्रभारी मनोज गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में हृदय गति रुकने से मौत की आशंका जताई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कल दिनांक 5/12/22 को एक सूचना दी है कंपनी से कि एक कर्मचारी है विनोद डबराल नाम है इनका। ये रात को कंपनी के वहीं जो आवास है उनका उसमें सोए हुए थे। सुबह पता चला कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। जब जा कर के उनको देखा गया, दरवाज़ा खुलवा कर देखा गया तो मृत अवस्था में पाए गए हैं। और ऐसे अंदर से दरवाज़ा बंद था। अभी तक सूचना से परिजनों से भी बात की गई उनके, तो किसी प्रकार से शंका तो व्यक्त नहीं की गई है। साथ ही कंपनी कर्मचारियों ने बताया है कि शायद हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें विवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।